उसे हर सुख मिला, सम्मान मिला, धनुर्विद्या का वरदान मिला। अपनों के विरुद्ध जब शस्त्र उठे, कर्तव्य का महाज्ञान मिला। बाहुबली और RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में डायरेक्ट कर चुकी है SS राजामौली बहुत जल्द अपने फैंस के लिए एक और बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं। और आपको तो पता ही है SS राजामौली उन फिल्म मेकर में से एक है जिनकी फिल्मों का फैंस बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। लेकिन फैंस का ये इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि SS राजामौली जल्दी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर काम शुरू करने वाले हैं। साथ ही राजामौली सर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर वो इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो ये फिल्म 10 पार्ट में बनाई जाएगी ताकि महाभारत की प्रत्येक घटना को विस्तार से दिखाया जा सके। इसके लिए वो पहले महाभारत के प्रत्येक अध्याय को खुद पढ़ेंगे और उसके बाद ही वो महाभारत फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग पर काम शुरू करेंगे। खबरों की माने तो SS राजामौली महाभारत को अपने ही अंदाज में दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि कहानी तो वही रहेगी लेकिन उसे अलग अंदाज में दिखाया जाएगा। परंतु अभी इस फिल्म को बनने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी SS राजामौली सर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म SSMB29 के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इनकी ये फिल्म साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ होने वाली है जिसे लेकर फैंस के बीच में एक्साइटमेंट का लेवल काफी ज्यादा है। और जैसे ही SS राजामौली सर इस प्रोजेक्ट को खत्म कर लेंगे उसके तुरंत बाद वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के ऊपर काम शुरू कर देंगे। और जैसे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू होता है तो राजामौली सर अगले 10 साल तक किसी भी अन्य प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे क्योंकि एक एक करके 10 साल तक हमें महाभारत के 10 पार्ट देखने को मिलेंगे। और आप सभी सोच रहे होंगे कि महाभारत फिल्म को SS राजामौली सर डायरेक्ट करने वाले हैं तो फिल्म का बड़ा बजट होना तो लाजमी है। साथ ही फिल्म को 10 पार्ट में भी बनाया जा रहा है तो फिल्म का बजट कितना होगा तो आपको बता दें मेकर्स ने अनुमान लगाया कि इस फिल्म का बजट लगभग 5,000 करोड़ का होने वाला है। यानी कि ये फिल्म अब तक की इंडिया की सबसे बड़ी एवं महंगी फिल्म होने वाली है जो कि पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी। फिलहाल आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।